श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 13 सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता। श्रीराम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान का पुनः खोजने का विचार करना। वानर युद्धपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ाए। वहां आकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिव हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं नहीं दिखाई देती है। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियां, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गृद्धराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुलनंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है? यह असंभव है। मैं तो समझता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वे छूट कर गिर पड़ी हों। अथवा ये भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हो, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। अथवा ये भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो, अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेहनंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा। अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपाकर रखी गई हैं। हाय, वहां वो बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी हैं, वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्य माँ सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं? जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हों, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हों, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित न होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार के बताने में भी दोष है और न बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना और न बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा? इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार करने लगे। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज की पुरी किष्किंधा को लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा? फिर तो मेरा ये समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुँचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे?
यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से ये कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ तो वे प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण दे देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पतिशोक से पीड़ित हो दुखित दीन व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रुमा भी जान दे देगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे वाली के विरह जनित दुख खसे तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदनंतर स्वामी के दुख खसे पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों, पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे अथवा अपने ही शरीर में छुरा भोंक लेंगे। मेरे वहां जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊंगा। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकूंगा। यदि मैं यहीं रहूं और वहां न जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहां वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूंगा या परेच्छा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा तथा श्रौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूंगा अथवा सागर तटवर्ती स्थान में जहां फल मूल और जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौवे तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूंगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। जिसका प्रारंभ शुभ है ऐसी सुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमला रूपा ये दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली। अथवा अब मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा किंतु उस असितलोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है, अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूंगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिकुंज हनुमान जी शोक का पार न पा सके। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा,
अथवा महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला सद जाएगा, अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए, उसी प्रकार श्रीराम के हाथ में इसको सौंप दूं। इस प्रकार सीता जी को न पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे, जब तक मैं यशस्विनी श्रीराम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्रीराम को यहाँ बुला ले आऊं, तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूंगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट न हो। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार और मरुदगणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूंगा। वहाँ समस्त राक्षसों को जीत कर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार दो घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र इंद्र यम और वायु देवता को नमस्कार है, तथा चंद्रमा अग्नि एवं मरुदगणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सबको तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। उन वानर वीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वो पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वो दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षस राज्य के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहाँ के वृक्षों की रक्षा करते होंगे, इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। पाशधारी वरुण सोम आदित्य महात्मा अश्विनी कुमार समस्त मरुदगण संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं न दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहां पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं, तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वो आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा? इस क्षुद्र नीच नरिशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथ में आ सकती है?